हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, एजी फोटो फैक्ट्री के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज 14 अप्रैल है, भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर जी का आज के दिन जन्म हुआ था। पूरे देश भर में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, उनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी अवसर पे आप सभी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के काफ़ी बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर, फोटोज़, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक डीपीज आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ये सभी आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे। आपको जो भी अच्छी लगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना बहुत आसान है। वीडियो की क्वालिटी को HD पे कर दीजिए, यानी कि 1080p पे वीडियो की क्वालिटी को कर दीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसको भी हाई कर लीजिए, और फिर जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। फिर आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप पे DP स्टेटस या फिर वॉलपेपर वगैरह कुछ भी लगाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज 14 अप्रैल का दिन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो आप सभी को, आपके सारे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं इस महत्वपूर्ण दिवस की। 14 अप्रैल 1891 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। जिस स्थान पे उनका जन्म हुआ था आज के समय में उसको डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी विशेष बात है दोस्तों अपने आप में, कि जहाँ पर जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो आदमी इतना ज़्यादा जो है अपना नाम कमाता है कि उस स्थान का नाम उसी के नाम पे रख देना। और सही में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में। संविधान का जो है पिता उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, संविधान निर्माण में, भारत को गणतंत्रता दिलाने में और भारत को जो है एक काफ़ी विकसित देश बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ है। इसके अलावा दोस्तों, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आज के समय में समाज में सारे लोग बराबर हैं, एक स्तर पे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी है। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये वॉलपेपर आपको अच्छे लगे होंगे। और जो भी कोई वॉलपेपर आपको अच्छा लगा है वो आपने आपके मोबाइल में सेव कर लिया होगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना। मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अभी के लिए बाय।